जिला शिमला के रोहड़ू स्थित राजकीय महाविद्यालय सीमा के प्रांगण में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में कुल 111 शिकायतों में से लगभग 60% से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया गया है। ये जानकारी ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दी। पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के दौरान शेष बची शिकायतों का निवारण अधिकारियों द्वारा 15 दिन के भीतर करना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी को व्यक्तिगत तौर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्राप्त हुई शिकायतों का निवारण भी अधिकारियों द्वारा 15 दिन के भीतर करने के निर्देश शामिल हैं। वहीं उन्होंने जनमंच कार्यक्रम की सफलता के लिए अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं पशुपालन मंत्री द्वारा लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही गई है। आज जनमंच का आयोजन किया गया और करीब प्री जनमंच में हमारी करीब 111 के करीब ऐसी बहुत सारी डिमांड्स आई थी। मुझे लगता है कि शिकायतें जो थी वो जिसके लिए जनमंच का आयोजन किया गया वो बहुत कम थी, लेकिन अधिकतर जो थी वो डिमांड्स थी। जनमंच आम आदमी की सुनवाई के लिए हमारी सरकार बनने के बाद 2018 में जनमंच का आयोजन लगातार होता रहा है। यद्यपि कि थोड़ा कोविड का काल रहा जिसमें जनमंच प्रभावित हुए। जनमंच को हमने 3 भागों में लिया है। एक प्री जनमंच जिसमें जिन पंचायतों को हमने प्री जनमंच में लिया था उन पंचायतों में हमारे अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायत स्तर के ऊपर गए और वहां पर उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकतर उनका मौके के ऊपर भी समाधान किया। और जो रह गई हैं कुछ डिमांड्स आई हैं जिसका आज भी हमने अधिकारियों के साथ बातचीत करके जल्दी उसके समाधान की जो है वो बात की है। लेकिन साथ में हमारा जो दूसरा उद्देश्य साथ में है कि केंद्र की सरकार के द्वारा और प्रदेश की सरकार के द्वारा ऐसी चलाई जा रही बहुत सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो गरीब तक या अंतिम पायदान तक जो है वो पहुंची या नहीं पहुंची उस बात को भी हमारे अधिकारीगण देखते हैं। जिनमें से बेटी है अनमोल, हमारा हिमाचल मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, हमारी जो एक हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 70 वर्ष की आयु में पेंशन मिलती है, क्या कोई ऐसा वंचित तो नहीं रह गया? क्या हर घर तक जो है वो शौचालय बना या नहीं बना? और एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और योजना शुरू की है और वो है कि जिस तरह महिलाओं के लिए 65 वर्ष की आयु के बाद उनको पेंशन का प्रावधान करना है, और एक और योजना शगुन योजना जो है कि जो बीपीएल में जो भी परिवार है अगर उनकी बेटी की शादी अगर होती है तो उसको 31,000 रुपया जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार की तरफ से दिया जाता है। इन सभी जो हमारे लाभार्थी थे हमने मौके के ऊपर उनको जो है वो लाभ भी देने का, मौके के ऊपर गैस कनेक्शन भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।